जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय। जय सिद्ध छेद सिद्ध प्रकूट जी की जय। जय जय हमारी दो अवस्थाएं, एक वो जो खुली हो आजाद, और दूसरी वो जो बंधी हो परतंत्र। जब हम खुले होते हैं बड़े आनंद में होते हैं, और जहाँ परतंत्रता होती है बंधन होता है वहाँ बड़ा द्वंद होता है। अभी आप सब बड़े आनंद से यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके ऊपर अभी कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन यदि यहाँ कोई बंधन लगा दिया जाए तो उसी घड़ी आकुलता होनी शुरू हो जाएगी, होगी ना? अगर मैं आप सब से कह दूँ कि आज जितने आ गए उनको आज दिन भर जाने नहीं दिया जाएगा, और आज सबको उपवास करना पड़ेगा, बोलो अगर ऐसा बंधन मैं यहाँ लगा दूँ तो तुम्हारे क्या परिणाम होंगे? अरे यार गलत दिन फंस गए। कहाँ फंस गए? कुछ लोग तो आँख बचा के पार होने की कोशिश करेंगे, और नहीं भी हो तो अंदर ही अंदर द्वंद चलता रहेगा, है ना? हालांकि चिंता मत करना, मैं ऐसा बंधन डालने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने मन पर थोड़ा ध्यान दो, विचार करो, क्या तुम स्वतंत्र हो? क्या तुम बंधन में बंधे नहीं हो? बोलो, बंधन में बंधे? कितने प्रकार का बंधन? आज मैं उसी बंधन की बात करके आपको मुक्ति तक पहुंचाने का उपक्रम करूंगा। चार प्रकार का बंधन है जो हमें दिखता है। एक वस्तु का बंधन। किसका बंधन? वस्तु का बंधन। अभी मैं जिस बंधन की बात कर रहा हूँ वो उस बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप लोग बंधन मानते हैं, कि किसी को साकल से बांध दिया वो बंध गया, वैसा बंधन नहीं है। पर मनुष्य के साथ का जो बंधन है बड़ा विचित्र है। ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं है लेकिन जकड़ लेता है। मैं उस बंधन की आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहला बंधन वस्तु का बंधन। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके साथ जो वस्तुएं जुड़ी है या जिन वस्तुओं से आप जुड़े हो उनसे आप बंधे हो या नहीं? हाँ बोलो, बंधे हो? कौन से रस्सी से बंधे? कोई शाकल है? बंधे हैं। अभी यहाँ आए हैं आप सब, गाड़ी नीचे पार करके आए है ना? लेकिन गाड़ी से आप बंधे हो या आपसे गाड़ी बंधी है? क्या हुआ? बंधे? मनुष्य ने जितनी चीजें अपने साथ जोड़ रखी है उन सब से उसका बंधन है, है? अगर बहुत निश्चिंतता से प्रवचन तुम सब सुन रहे हो और इसी बीच खबर आ जाए कि कोई गाड़ी उठा के भाग रहा है, क्या करोगे? प्रवचन सुनोगे कि छोड़ के भागोगे? है, ये वस्तु का बंधन है जो मनुष्य को बुरी तरह जकड़े हुए।
ये बंधन ही ऐसा है जो मनुष्य को 24 घंटे मेरा 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 का रट लगवाता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो सब क्या है? ये क्या है? एक ऐसी मान्यता जिसने तुम्हें बांध रखा है और तुम उनसे बंधे हो, छोड़कर जा नहीं सकते, हिलडुल भी नहीं सकते। ये वस्तु का बंधन एक जंजाल है जो मनुष्य खुद तैयार करता है। जितना ज़्यादा जोड़ता है उसका बंधन उतना अधिक प्रगाढ़ होता है, ठीक है। दूसरा है वस्तु के बंधन के बाद व्यक्ति का बंधन। किसका बंधन? व्यक्ति का बंधन। आप लोग एक दूसरे से बंधे हो कि नहीं बंधे हो, बोलो। अरे भाई महाराज, आप तो ठहरे साधु, अब हम हैं गृहस्थ, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब देखना पड़ता है। महाराज यहाँ भी आते हैं ना तो सब व्यवस्था बना करके आते हैं और रास्ते भर विकल्प भी चलता रहता है। है बंधन? ये बंधे हुए हो आप, बड़ा विचित्र बंधन है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को बंधन में डाला जाता है तो वो दुखी होता है, पर आप लोग जिस बंधन में बंधते हो उसमें बैंड बजवाते हो, बैंड बाजा के साथ बंधन में बसते हो, उत्सव मनाते हो, आनंदित होते हो। पर ये बंधन है और बहुत विचित्र बंधन है जिसका टूटना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। लोग कहते क्या करे, छूटती नहीं है, छोड़ा नहीं जाता। पति पत्नी दोनों एक पार्क में गए, बड़ा पार्क था और पार्क में एक झुरमुटा सा था। पत्नी ने पति को इशारा करते हुए कहा, आज से 20 साल पहले की बात याद है, हम दोनों इसी झुरमुटे में छिपे थे, अचानक हमारे पापा देख लिए थे। अगर देख पापा आ गए थे तो इसी झुरमुटे में छिपे थे, अगर पापा देख लेते तो क्या होता? पति एकदम उदास हो गया। बोले आप इतने उदास क्यों? बोले काश वो देख लेते, काश वो देख लेते। बोले देख लेते तो क्या होता? बोले आज मैं आजाद होता। ये व्यक्ति का बंधन है। ये दूसरा बंधन वस्तु का बंधन, व्यक्ति का बंधन, शरीर का बंधन। अपने शरीर से बंधे हो 24 घंटे, शरीर के साथ जुड़े हो और ये बंधन अनादि से है। अपने शरीर के हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत कुछ करना चाहते हो, शरीर साथ नहीं देता, होता है। क्या करे, शरीर के मारे लाचार है। ये शरीर का बंधन है। और चौथा बंधन है जो इसकी अपेक्षा सूक्ष्म है, ऊपरी आँखों से दिखता नहीं लेकिन पराया है, वह है कर्म का बंधन। कौन सा बंधन? कर्म का बंधन। व्यक्ति का, वस्तु का बंधन, व्यक्ति का बंधन, शरीर का बंधन और कर्म का बंधन। कर्म का बंधन हमें दिखता नहीं लेकिन सब कुछ कर्म से नियंत्रित है। हर व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ है और अपनी भाषा में कहता भी है, क्या करूं कर्मोदय ऐसा है, कर्म का बंधन है कि टूटता नहीं, चीजें छूटती नहीं, इसके कारण हम बड़े व्याकुल हैं, दुखी हैं, है ना? चारों प्रकार का बंधन तुम्हारे ऊपर है, बोलो। चारों है कि एकाध कम है? चारों है ना? पर संत कहते हैं अगर अध्यात्म की गहराई में देखा जाए तो ये बंधन कुछ है ही नहीं, ये बंधन कुछ है ही नहीं, ये केवल तुम्हारी मान्यता है। तुम तो बंध में भी निर्बंध हो। अगर तुम्हारे भीतर आत्म दृष्टि प्रकट हो गई तो तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं।
ये बंधन तुमने अपने मान्यता के कारण बना रखा है। वास्तव में बंधन बाहर का नहीं, बंधन भीतर का है। वो है मोह का बंधन, वो है राग का बंधन, वो है द्वेष का बंधन। चीजों के साथ जब तक मोह है तब तक बंधन है, व्यक्ति के साथ जब तक मोह है तब तक तुम बंधे हो, शरीर के साथ जब तक मोह है तब तक बंधे हो, और जब तक तुम्हारी मोह मूलक परिणति है तभी तक कर्म का बंध है। मोह छूटा, बंध खत्म द्वंद खत्म, और द्वंद खत्म तो आनंद ही आनंद। बात को समझ रहे हैं? आज थोड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं मैं। हम जितने भी बंध की बात कर रहे हैं वो सतही है, असली बंधन तो हमारे मोह का बंधन है। उसे समझ लिया और उससे छूट गए तो जीवन में आनंद ही आनंद है, और जब तक मोह है तब तक द्वंद ही द्वंद है। निर्द्वंद होगे तभी आनंद होगा। ये मोह का बंधन कैसा है, जो बिना सांकल रस्सी के बांध दे उसका नाम मोह का बंधन है। दुनिया के जितने भी बंधन हैं वो किसी पास से जुड़े होते हैं, लेकिन मोह का बंधन ऐसा है जो बिना बंधन के बांध लेता है, और बांधता नहीं जकड़ लेता है। सांकल से बंधा हुआ प्राणी भी कुछ कदम अपनी चहलकदमी चल सकता है जितनी लंबी सांकल हो, कम से कम हिलने डुलने की आज़ादी तो उसके पास रहती है, पर मोह का बंधन तो हमें इस भांति जकड़ता है कि प्राणी हिल डुल भी नहीं सकता। एक व्यक्ति अपने ऊँटों की सवारी को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। रास्ते में एक सराय में रुका, रात भर रुकना था, ऊँट इधर उधर चले न जाए इसलिए ऊँटों को बांधने लगा। बांधते बांधते उसके पास एक सांकल कम पड़ गई। अब एक सांकल कम पड़ गई, क्या करे, चिंतित हो गया, अब इस एक ऊँट को कैसे बांधा जाए। उसने सराय के मालिक से पूछा कि भैया तुम्हारे पास कोई रस्सी हो, कोई सांकल हो तो दे दो, ऊँट को बांध दो। बोले रस्सी सांकल नहीं है। तो बड़ा परेशान होने लगा। बोले परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऊँट तो बंध जाएगा। बोले कैसे? बोले उसको रस्सी से बांधने की ज़रूरत नहीं, मैं बांध दूंगा। बोले कैसे बांधूंगा? बोले जैसे सबको बांधते वैसे बांधूंगा। बोले अच्छा बांध दो। सारे ऊँटों के गले में रस्सी पड़ गई। आखिरी वाले ऊँट के पास सराय का मालिक गया और जैसे अन्य ऊँटों को रस्सी बांधते समय एक्टिंग किया, वो सारा एक्टिंग करके खूंटे से बांधकर खूंटा को ठोक दिया, ऊँट यंत्रवत वहीं बैठ गया। सुबह हुई, सारे ऊँटों का बंधन खोला, सब ऊँट उठ करके चलने लगे। सारे ऊँट उठ करके चलने लगे लेकिन ये ऊँट बैठा ही क्या बैठा रहा, बैठा का बैठा रहा। वो ऊँट के मालिक से बोला, उसको हिलाए डुलाए भी तो उठे नहीं। वो सराय के मालिक से ऊँट के मालिक ने कहा कि भैया ये क्या हो गया, तुमने कौन सा मंत्र दे दिया, कौन सा मंत्र दे दिया, ये ऊँट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो कीलित सा हो गया। बोले भैया उसका बंधन खोलो। बोले बंधन बांधा कहाँ? बोले जैसा बांधा वैसा खोलो, अभी उठ जाएगा। बोले मेरे बस का नहीं, तुम ही बताओ। वो गया, फिर से बंधन खोलने का एक्टिंग किया, ऊँट उठ खड़ा हुआ और चल दिया, सब देखते रह गए। बंध वो, यही कहानी तुम्हारी है ना? बंधे नहीं हो फिर भी बंध गए हो, क्योंकि तुमने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है, बंधा हुआ मान रखा है, और ये मान्यता का बंधन है जो अज्ञान से प्रकट होता है। जब ये मान्यता सुधरेगी सारा बंधन टूट जाएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में हमें दो चीजों को ध्यान में रखकर चलना है।
एक है बंध और दूसरा है हमारा आत्म तत्व जो अबद्ध है। अगर हम आत्मा की सांसारिक अवस्थाओं को देखते हैं तो बद्ध दिखाई पड़ती है, वो बंधी हुई है, और निश्चयतः हम सब जो दिख रहे हैं बंधे दिख रहे हैं। लेकिन आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो अबद्ध और अस्पष्ट दिखता है। वो अबद्ध है, उसका स्वरूप बंधा नहीं है। ये बंधन की पर्याय है जो मेरे अज्ञानजन परिणाम से प्रकट हुई है, और जब तक मेरे भीतर ये अज्ञानतापूर्ण कृत्य चलते रहेंगे, मेरे अंदर की ये अज्ञानपूर्ण परिणति रहेगी, बंधन बंधता रहेगा, परिणति टूटेगी, उसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। इसे समझिए, आज चार बातें आपसे करूंगा, बंधन मुक्ति, बंधन मुक्ति, आशक्ति विरक्ति, बस इन चार बातों को समझ लो, जीवन का सार निकल जाएगा। बंधन क्या है? यथार्थ आत्मा बंधी नहीं है। अगर आत्मा बंधी होती तो कभी मुक्त नहीं होती। हाँ, ये आत्मा का विकार है, आत्मा का विभाव है, जिसके कारण वो बंध गया है ऐसा दिख रहा है। स्वभाव तो आज भी अबद्ध है, और आचार्य कुंद कुंद अध्यात्म परस्ते वे कहते हैं, आत्मा की उस अबद्ध अवस्था को जानो। तुम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे तो जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे, परतंत्र बने रहोगे। तुम आजाद हो, तुम मुक्त हो, तुम अबद्ध हो, इसे जानो। कर्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कर्म की सत्ता से भी प्रबल तुम्हारी अपनी सत्ता है। अपनी चेतना को जानो। तुमने मान रखा है कि मैं बंधा हूं, जिस दिन तुम्हारी यह मान्यता बदलेगी उसी पल तुम मुक्ति की अनुभूति करना शुरू कर लोगे। जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नीदम अपदेश दून अट्ठम सो जानदि अपगम सबम। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो अपनी आत्मा को अबद्ध और अस्पृष्ट देखता है, जानता है, उसके बंधन रहित स्वरूप को सदका श्रद्धान करता है, वही आत्मा के निर्बंध अवस्था को प्राप्त करता है। बोलो, तुम अपने आप को कैसा मानते हो, बंधा हुआ या मुक्त? और जो अपने आप को बंधा हुआ मानता है, जिंदगी भर जो अपने आप को बंधन में बंधा मानता आया है, क्या करें, हम बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। ऐसे लाचारी और वेवशी भरे शब्द बोलने वाले कभी आजाद हो पाएंगे? बोलो, कभी आजाद हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आजाद होने के लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या, मेरा स्वरूप क्या है। जो तोता पिंजड़े को ही अपना घर मान बैठे, वो कभी उन्मुक्त आकाश में विचरण का आनंद नहीं ले सकता। तुमने भी अपने आप को उसी पिंजड़े तक सीमित मान रखा है, और तुम्हारा जीवन यंत्रवत जैसा हो गया है। कर्म के बंधन से जकड़ करके कर्म तुम्हें अभिभूत करके जो करा रहा है सो कर रहे हो, जैसा खेल खिला रहा है वही खेलते आ रहे हो। इसीलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है। नहीं, मुझे कर्म के द्वारा खिलाए गए खेल को खेलना नहीं, अपितु कर्म के खेल को खत्म करना है। दृष्टिकोण वो होना चाहिए, वह अध्यात्म दृष्टि है। हमारी अध्यात्म दृष्टि हमसे कहती है कि तू आत्मा को पहचान, और आत्मा को पहचान करके उसकी शक्ति को जानकर उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न कर।
जब तू अपने स्वरूप को पहचानेगा, अपने ऊपर आए हुए सारे नियंत्रणों को तोड़ने का संकल्प जगेगा, और जब वो संकल्प जगेगा तेरे भीतर का पुरुषार्थ प्रकट होगा, और तुम अपने अदम्य पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर अपनी उस सत्ता को उद्घाटित में सफल होगे जो आज तक हासिल नहीं कर सके। उसे पहचानने की कोशिश करो। मैं निर्बंध हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं, बंधन मेरा विकार है, ये ज्ञान हमारा होना चाहिए, और मुझे इस विकार का उन्मूलन करना है। ये बताओ, जो व्यक्ति अपनी बीमारी को ही अपना स्वभाव मान लेगा वो कभी स्वस्थ हो पाएगा? अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है तो तुम्हें सबसे पहले इस बात का विश्वास जगाना होगा कि मैं हूं तो स्वस्थ। ये बीमारी किसी विकार से आ गई है, कोई इन्फेक्शन के कारण हो गया, मुझे इन्फेक्शन को दूर करना है, स्वस्थ अपने आप हो जाऊंगा। मैं हूं निर्बंध, बंधन किसी विकार का परिणाम है, जिस पल उस विकार को खत्म करूंगा अपने आप मुक्त हो जाऊंगा। ये बंधन मेरे ही अज्ञानता का परिणाम है, मैंने ही सृजा है, तो इसे काटना भी मुझे ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसे काटना भी मुझे ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। एक राज्य में जितने भी बड़े अपराधी होते थे उनको बेड़ियों से बांध दिया जाता था, बेड़ियों से बांध दिया जाता था, और बेड़ियों में बांधने के लिए जैसी पुरानी परंपरा थी, दोनों हाथ भी बांध दिए जाते थे, दोनों पैर भी बांध दिए जाते थे, और वो बेड़ी वहाँ का एक लुहार तैयार करता था। सजा पूरी होने के बाद उसी लुहार को बुला करके उसे कटवाया जाता था। संयोग ऐसा बना कि एक बार वही लुहार खुद किसी अपराध में फंस गया, वही लुहार खुद किसी अपराध में फंस गया और उसे उसी बेड़ी में बांध दिया गया, उसी बेड़ी में बांध दिया गया। जब उस लुहार को उस बेड़ी में बांधा गया, बाद में राजा ने उसे पहचाना और कहा कि ठीक, इसकी बेड़ी से मैंने सबको बांधा है, अब हम इसे मुक्त करते हैं, इसकी बेड़ी खोल दी जाए। तो अब किसे खोले, अभी तक तो बेड़ियाँ खोलने वही आता था, अब इसकी बेड़ी को कौन खोले? जब उससे सामने ये प्रश्न आया और कहा, भैया बेड़ी को तो तुम्हें ही खोलना पड़ेगा, तो उसने कहा, मैं सबकी बेड़ियाँ खोल सकता हूँ, पर ये बेड़ी मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि ये बेड़ी मेरे ही द्वारा बनाई हुई है, किसी गैर के द्वारा नहीं, मैंने ही ये बंधन बांधा है, मेरी अज्ञानता के कारण। बंधन बांधना बंद कर दो, मुक्त तो हम हैं ही। क्या बोल रहा हूं, बंधन को काटने की जरूरत नहीं है, बांधना बंद कर दो। अरे बंधन होता कैसे? आचार्य कुंद कहते हैं, रत्तो बंध दिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो, एषो जिनो वदेशो तम्हा कम्मेषु मारज्य। बहुत सार बता दिया, सार निचोड़ कि राग से कर्म बंधता है और वैराग से कर्म झड़ता है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। एक जगह उन्होंने कहा, ऐसो बंद समासो तम्मा कम्मे सुमा मुझ। ये बंध का सार है, निचोड़ है। तुम जितना राग करोगे उतना बंधोगे, और जितना राग से उपरत होगे उतना मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति के लिए क्या करना है? वीत राग बनना है, विराग के पथ को स्वीकार करना है। अभी तुमने क्या कर रखा है? राग है ना, राग
ये राग जब तक बढ़ेगा तब तक बंधन ही बंधन होगा, उससे मुक्त नहीं हो सकते। राग को बढ़ा करके क्या पाएंगे? हमारे अंदर दो तरह की धारा, एक राग की धारा, एक विराग की धारा। विराग की धारा बढ़नी चाहिए जो सूख रही है, और राग की धारा को सुखाना चाहिए वो एकदम आप्लावित है, उसका पूर आ रहा है, यही हमें बहा रही है, डुबा रही है, इस धारा को मिटाना है। समझ गए? तो इस राग को कम करने का उपदेश दिया, मेरा राग घटे। 24 घंटे राग रंग में रमे रहने वाले आत्मा का कितना भी गीत गाओ, मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। जहां राग है वहां बंधन है, और जहां वीत रागता है वहीं मुक्ति है। आचार्य कहते, वद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवेत्। यह जीव ममत्व यानी राग मूलक परिणति के कारण बंधता है, और निर्ममत्व यानी वीत राग परिणति से मुक्त होता है। यदि तुझे मुक्त होना है तो अपने मुक्त स्वरूप को पहचान और राग पर विराम लगा। सर्व प्रयत्न न पूरी कोशिश से, सारे तात्पर्य से, निर्ममत्व परो भवे, अपने राग भाव को घटाओ। और वाकई में यदि सम्यक दर्शन की बात करूं तो राग आदि को घटाने का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है, बढ़ाने का नहीं। तुम्हारी श्रद्धा क्या है, उसे घटाने की या बढ़ाने की, क्या है, किस मार्ग पर चल रहे हो? मुझे उसे घटाना, उसे कम करना, और कम करते 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 खत्म करना है। तो ज्यो ज्यो मेरे भीतर का राग शांत होगा, अंदर वीत राग भाव की अभिवृद्धि होगी। और ये जिस पल वीत रागता प्रकट हो गई, उसी पल हम मुक्त हो जाएंगे। आचार्य कुंद कुंद ने बड़े रहस्य की बात की, मुक्ति पाना चाहते हो तो राग को छोड़ो, राग ही बंधन है, वीत रागता को अपनाओ। और वीत रागता को अपनाने के लिए राग को घटाओ, राग को घटाने के लिए क्या करो, आसक्ति को खत्म करो, और आसक्ति को खत्म करने के लिए क्या करो, विरक्ति को जगाओ। जितनी आसक्ति उतना राग, और जितना राग उतना बंध। क्रिया छोड़ने से मुक्ति नहीं होगी, राग छोड़ने से मुक्ति होगी। आचार्य कुंद कुंद ने अपने अध्यात्म को बहुत उच्च स्तर पर व्याख्यायित किया। आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज आपने तो जो रास्ता बता दिया उसके हिसाब से तो अब हम जब घर गृहस्थी छोड़कर आत्मा में डूबेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, है ना? बिल्कुल ठीक है, विरक्ति तो इसी का नाम है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप साधु सन्यासी बनोगे तभी विरक्ति को धार सकोगे, नहीं। आप गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी विरक्ति के भाव रख सकते हैं। देखिए, एक है राग, एक है विराग, और एक है वीतराग। राग तो हमें नीचे गिराता है, विराग और वीतराग इसमें अंतर है। क्या अंतर है? राग को घटाने का नाम विराग है, और राग से ऊपर उठ जाने का नाम वीतराग है। क्या बोला? राग को घटाने का नाम विराग है, और राग से ऊपर उठ जाने का नाम वीतराग है। तुम राग मात्र से ऊपर ना उठ सको, कोई बात नहीं, राग को घटाने का उपक्रम तो कर सकते हो। ये कब होगा? जब तुम्हारे भीतर विराग होगा। अभी राग भरा है तो राग घटेगा कैसे?
और जितना राग भाव पुष्ट होगा उतना बंधन होगा। आचार्य कुंद ने कहा कि तुम संसार में जब तक हो रहो, राग भाव घटाओ। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति व्यायामशाला में जाता है, कसरत करता है, दंड बैठक लगाता है, अखाड़े में उठ बैठ करने से पूरा शरीर धूल धूसरित भी होता है, लेकिन एक पल में सारा धूल झड़ जाता है, धूल उससे चिपकती नहीं। उसकी जगह दूसरा व्यक्ति जो शरीर में तेल लगा कर जाता है, अपेक्षाकृत कम कसरत करता है, लेकिन उसके शरीर में धूल बुरी तरह चिपक जाती। बोलो सही है कि नहीं, है ना? तो सवाल इस बात का है कि धूल किस वजह से चिपकी, कसरत की वजह से या तेल की वजह से? किसकी वजह से धूल चिपकी? बोलो, हाँ, तेल ना। तो मुझे मालूम है तुम कसरत तो नहीं छोड़ोगे, आदत है तुम्हारी, गृहस्थी में कसरत तो लगेगी। तो भैया तेल मत लगाओ, क्या करो, तेल मत लगाओ, जी चाहे कसरत करो, धूल नहीं चिपकेगी। अब महाराज पहले से तेल लगा लिया तो क्या करें, एक बार नहा लो फिर कसरत करो, क्या करो, एक बार नहा लो और फिर कसरत करो, तो क्या करो, अपने आप को आप अलिप्त रखना चाहते हो, बंद से बचाना चाहते हो, तो सांसारिक क्रिया को करने से पहले सुबह उठो और बीत राग तत्व ज्ञान की धारा से अपने आप को स्नात कर लो, सारा अंदर का राग भाव का तेल बह जाएगा, थोड़ा बहुत अंश बचेगा, फिर उस संस्कार से युक्त होकर के तुम यदि अपनी सांसारिक क्रियाओं को करोगे भी तो उतने लिप्त नहीं हो सकोगे। अलिप्त होकर के जीने के आदि और अभ्यासी बनिए। बातें हम बहुत ऊंची करते हैं पर देखो तुम कितने रचे पचे हो, आकंठ डूबे हुए हो, विषय कषाय भोग विलास राग रंग में ही जिनका चित्त रमा है, समझना उनका संसार बहुत दीर्घ है। कहां हो अपना अंतर विश्लेषण करना और ये सोचना कहीं मैंने अपने मनुष्य जीवन के मूलभूत ध्येय को तो नष्ट नहीं कर दिया, मेरा ध्येय तो खंडित नहीं हुआ, मैं कहां हूं, जिन भवों में मुझे अपनी आत्मा का परचैनी मिला उन भवों में मैं भटका तो मुझे उसका कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन पूर्ण आत्म परिचय पा लेने के बाद भी आज मैं भटकता हूं तो मुझसे बड़ा भागा इस संसार में दूसरा कौन होगा। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिशात संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ रूप मनुष्य पर्याय को पा करके यदि कोई प्रमादी बन जाए, आलसी बन जाए, इतना सब कुछ जानने के बाद भी जीवन की समझ विकसित ना करे तो इस संसार रूपी भयानक अटवी में लंबे समय तक भटकने वाला है, वह जीव दीर्घ संसारी है, उसे लंबे समय तक भाव भाव में गोते खाने हैं। क्या चाहते हो, इसी तरह भाव भाव में गोता खाना या भाव पार लगना? बोलो, भाव पार लगना। कैसे लगोगे महाराज, आप तो आशीर्वाद दे दो पार लग जाए। अगर महाराज आशीर्वाद दे दे करके पार लगाएंगे तो तुम पार लगो या न लगो वो तो डूब जाएंगे। किसी के आशीर्वाद से कोई पार नहीं लगता, आत्मज्ञान के साथ किए गए पुरुषार्थ से ही पार लगा जा सकता है। वो समझ अपने भीतर विकसित करो। तो क्या बोला, बंधन मुक्ति, अपने मुक्त स्वरूप को पहचानो, बंधन को कम करने की कोशिश करो। और बंधन को कम करने के लिए क्या करना है, विरक्ति को बढ़ाना है, आसक्ति को घटाना है। जितनी आसक्ति उतना बंधन और जितनी विरक्ति उतनी मुक्ति। आचार्य कुंद ने एक ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति को रेखांकित करते हुए बहुत अच्छी बात कही।
और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सूत्र दिया। वे कहते हैं कि तुम्हें जो करना है कर, लेकिन होश में रह कर कर। क्या कह रहे हैं? जो करना है करो, पर होश में रह कर करो, यानी अलिप्त होकर करो। अलिप्त होकर के करोगे तो नहीं बंधोगे, और रच बच जाओगे तो बंधे बिना नहीं रहोगे। उन्होंने दो उदाहरण दिए। पहला वो कहते हैं जह मज्जम पिब मानो अर्दी भावे न मज्ज दे पुरुषो दब्बू भोगे अर्दो नानी न जहदी नानी न बंध दे तहावी। जैसे कोई व्यक्ति अनमने भाव से किसी मादक वस्तु का सेवन कर ले तो उस पर नशा नहीं चढ़ता। दवाई के रूप में एक आध चम्मच कोई मादक द्रव्य लिया तो उस पर नशा नहीं चढ़ेगा, लेकिन जो चाव से उसको लेगा वो बचेगा नहीं। इसी प्रकार कर्म द्रव्य के भोग में जो विरक्त व्यक्ति होता है ऐसा ज्ञानी बंधता नहीं, बंधता नहीं। इसे थोड़ा गहराई से समझो। आज तुम लोग बोलते हो महाराज चीज़ें छूटती नहीं, मैं मान लिया। हालांकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो तुम्हें पकड़ी है, तुमने पकड़ रखा है, चीज़ों ने तुम्हें नहीं पकड़ा। हकीकत ये नहीं कि वो छूटती नहीं, हकीकत ये है कि तुम छोड़ते नहीं, है ना? तुम छोड़ते नहीं। जिस दिन तुम सोच लोगे उस दिन छूट जाएगी, क्यों गौरव, है ना? हाँ, जिस दिन तुम सोचोगे उस दिन छूट जाएगी। छूटने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मन को तैयार करना है। पर कह रहे चलो, जिनके मध्य तुम जी रहे हो, जिनका तुम आलंबन ले रहे हो, जिनका तुम उपभोग कर रहे हो, दो कंडीशन में उपभोग किया जाता है। एक तो खूब रुचिपूर्वक और एक मजबूरी वश अनमने भाव से। आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको आप बेमन से करते हो, करते हो कि नहीं करते हो। कई बार आपको यह करना पड़ता है कि सामने वाले का मन रखने के लिए हमने ये किया होता है। जो काम आप मन से करते हो और जो काम आप बेमन से करते हो, दोनों में क्या एक सी स्थिति होती, एक सी रुचि होती? किस में आपकी रुचि ज़्यादा होती, जो मन से करते हो उसमें या बिना मन से उसमें? हाँ, मन से ना। तो बस आचार्य कुंद ने इतना ही कहा कि तुम गृहस्थी में हो, सारे संसार के पाप को छोड़ सको अति उत्तम, नहीं छोड़ सको तो जो कर रहे हो मन से मत करो, बेमन से करो, बच जाओगे। क्या सूत्र दिया? बेमन से करो, मन से मत करो। बोलो क्या करते हो? धर्म का काम तो फिर भी बेमन से कर लेंगे, बाकी काम तो मन से करेंगे। अपने मन की परिणति को देखो। अच्छे काम के लिए तुम्हें प्रेरित करना पड़ता है और बुरे काम के लिए तुम्हारा मन पहले से तैयार रहता है। ये अज्ञानी का लक्षण है, जो बुरे काम के लिए तत्पर और तैयार रहे, अच्छे काम में उदासीनता रखे वह अज्ञानी, और जो अच्छे काम के लिए उत्साहित रहे बुरे काम में उदासीनता रखे वो ज्ञानी। तुम कहाँ हो? दूसरे को मत देखना। क्या कहलाना चाहते हो, ज्ञानी की अज्ञानी? बोलो, हाँ, क्या कहलाना चाहते हो? ज्ञानी ना, ज्ञानी। तो भैया ज्ञानी होने के काम करो। काम कौन सा करते हो? हाँ, अब मैं तुम्हें अज्ञानी बोल दूँ तो क्यों प्रदीप जी? अगर अज्ञानी बोल दे तो बुरा लगता है ना? अरे भाई, एक सराफे का काम करने वाले को सराफा सराफ कहते हैं, लोहार का काम करने वाले को लोहार कहते हैं, कारपेंटर का काम करने वाले को कारपेंटर कहते हैं, अज्ञानी का काम करने वाले को अज्ञानी बोल दे तो क्या हर्ज है? बोलो, फिर बुरा क्यों?
कारपेंटर को कारपेंटर बोलो तो कोई बुराई नहीं, लुहार को लुहार बोलो तो कोई बुराई नहीं, सुनार को सुनार बोलो तो कोई बुराई नहीं, व्यापारी को व्यापारी बोलो तो कोई बुराई नहीं, अरे अज्ञानी को अज्ञानी बोल दे तो क्यों बुराई मानते हो? नहीं है? बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, सिद्धवर कूट में आके सब ज्ञानी बन गए। अब महाराज और टाइम ज्ञानी हो या ना हो, जितनी देर आपके प्रवचन में उतनी देर तक तो पूर्ण ज्ञानी है ना। हमारे मन की कितनी दुर्बलता है कि हम अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। संत कहते अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करो, अज्ञानी कहलाओ मत, ज्ञानी बनो। तुम्हें कोई ज्ञानी कहे या अज्ञानी उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा कर्म ज्ञानी जैसा होना चाहिए। तुम अज्ञानी होकर के ज्ञानी कहला भी लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज्ञानी जैसा काम करोगे तो तुम्हारा काम होगा। तो क्या करना है, सूत्र रखो कि मैं जो कुछ भी करूं अलिप्त भाव से काम करूं, अनाशक्ति को अपने जीवन का मंत्र बनाऊं। देखिए संसार में विषय भोग को भोगना है ना, आसक्त होकर के विषयों में डूबोगे तो बुरी तरह फंसोगे। इसके लिए एक उपमा दी गई है, एक वनस्पति होती है औंधा कांटा। क्या होती है? औंधा कांटा। उसका कांटा जो होता है नीचे की तरफ मुख होता है, ऊपर की तरफ उसका मुख होता है, ऐसा ऊपर रहता है। सामान्यतः कांटा ऐसे निकलते, कांटा ऊपर की तरफ होता है। उस कांटे को अगर आप छुओगे, वो औषधि के काम में आती है औंधा कांटा, ऊपर से नीचे लाओगे तो पूरे हाथ छिल जाएंगे, नोक है, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाओगे, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सारे कांटे को ऊपर ले गए, ये नीचे से आप ऊपर ले गए, कुछ नहीं हुआ, सब ऊपर की तरफ उसका नोक है, समझ गए? नीचे से ऊपर ले जाओगे कुछ नहीं होगा, ऊपर से नीचे लाओगे तो हाथ छिलेगा। बस संसार में बचना है तो औंधे कांटे की तरह चीजों को नीचे से ऊपर छुओ, यानी ऊर्ध्वमुखी दृष्टि रखो, अधोमुखी दृष्टि मत रखो। अधोमुखी दृष्टि रखोगे मरोगे। दृष्टि में वैराग्य हो। वो कहते हैं नानी राग पजहो सब दबे सुकम मज्झ गदो नो लिप्पदि कम रेन दु कदम मज्जे जहा कनियम अन्नानी पुनरत्तो शव दव्वे सुकम मज्झ गदो लिप्पदि कम रेन दु कदम मज्जे जहा लोहम कदम मज्जे जहा लोहो। आचार्य कुंद कुंद ने दो उदाहरण प्रस्तुत करके ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति को रेखांकित कर दिया। ज्ञानी जो राग रहित होता है वो संसार की क्रिया करते हुए भी कर्म के बंधन से नहीं बंधता। जैसे सोने को कीचड़ में डाल दो तो भी सोने का कुछ बिगाड़ नहीं होता, होता है क्या? सोना कीचड़ में डालो, कितने ही दिन कीचड़ में सोना पड़ा रहे, उस सोने को निकालोगे धोओगे तो सोना 100 टन शुद्ध बना रहेगा, होगा? सोना सोना है। लेकिन इसकी जगह लोहे को कीचड़ में डालो तो क्या होता है? कीचड़ में पड़ते ही जंग खाने लगता है, होता है? कीचड़ में डालने के बाद कभी देखा कि नहीं देखा? महाराज कीचड़ तो छोड़ो, थोड़ी मॉइस्चर लग जाए तो ही लोहा जंग खा जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया ज्ञानी सोने की तरह होता है, राग रहित होने के कारण कर्म बंध से बचता नहीं, जैसे सोना कीचड़ में पड़े रहने के बाद भी उससे अलिप्त होता है, और अज्ञानी राग से युक्त होता है इसलिए वो कर्म रज से बंधता है, जैसे कि लोहा कीचड़ में पड़ने पर जंग खा जाता है। तो लोहा मत बनो, क्या बनो? सोना। क्या बनना है? तो अपने को उससे के लिए क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस राग ही तो नहीं करना है। राग भाव को घटाइए,
अपने अंदर के वैराग्य को जगाइए। महाराज वैराग्य को जगाने का भी कुछ उपाय बता दीजिए। ठीक है, वो बता देता हूं। वैराग्य कैसे जगेगा? अगर आप चाहते हो कि चीजों में मेरा राग खत्म हो, कम हो, वैराग्य जगाएं, तो कैसे जगाएं? तीन बातों को याद रखो। कितनी बातों को? रोज तो चार बोलता हूं, आज तीन ही बोल रहा हूं क्योंकि चार का पाठ है। तीन चीजों को हमेशा याद रखो, वैराग भाग जगेगा। संसार को अशार मानो, संसार को असार मानो, शरीर को नश्वर मानो और भोगों को तृष्णा का वर्धक मानो। ये तीन बातें तुम्हारे मन में बैठ जाए तो तुम्हारे अंदर राग भाव बढ़ेगा नहीं। आचार्य उमा स्वामी ने इसी के लिए हम सबको एक मंत्र सूत्र दिया, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। संसार शरीर और भोगों की असारता का विचार करोगे तो तुम्हारे अंदर का वैराग बढ़ेगा, और वैराग बढ़ेगा तो तुम्हारी संलिप्तता कम होगी, संलिप्तता घटेगी तो तुम अनासक्ति के रास्ते पर चल सकोगे। श्रीमद राजचंद जी हमेशा तीन बातें याद रखने के लिए कहा करते थे, बड़ी उपयोगी है, आप याद रखो। वे कहते थे काल सिर पर सवार है, सुबह उठते याद रखो, क्या? काल सिर पर सवार है। दूसरा, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। और तीसरा, पग पग पर पांव रखते ही पाप लगता है। क्या? काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब काल सिर पर सवार है, मौत का पहरा हम पर लगा हुआ है, कब उसका प्रहार हो जाए कभी पता नहीं, कौन सी श्वास आखिरी श्वास बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। पांव रखते ही पाप लगता, हर कदम पर पाप है, संभल संभल करके चलो, मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति में पाप है, सावधान होकर चलना। और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है, बिचियों की तरफ तुमने देखा नहीं कि उसका विष तुम पर चढ़ा नहीं। ये भाव दोहराओगे, विरक्ति के संस्कार बढ़ेंगे और जीवन पथ प्रशस्त होगा। अपने मन को देखो, कहाँ इतनी ऊंची अध्यात्म की बातें और तुम्हारा जीवन स्तर कहाँ। न तुम्हारे धन वैभव का राग घटता है, न तुम्हारे अंदर की भोगाशक्ति घटती है, और न ही परिवार परजन का राग घटता है। तुम 24 घंटे गोरख धंधे में लगे रहो और आत्मा के हित की बात करो तो कैसे होगा। एक गीत पहले मैं सुनता था, कैसे हो भुगतान की हुंडी जाली है, क्यों कर हो कल्याण की करनी काली है। विनय कुमार पथिक ये गीत गाया करते थे कि कैसे हो कल भुगतान की हुंडी जाली है, जाली हुंडी से भुगतान होता है क्या, और क्यों कर हो कल्याण की करनी काली है। अगर करनी काली होगी तो कल्याण नहीं होगा। अपना अंतर विश्लेषण करो, अपनी चेतना को झकझोरो, तय करो मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका विचार करो, तब तुम्हें दिशा मिलेगी। नहीं तो एक दिन तुम्हारी राम कहानी खत्म हो जाएगी, एक हिचकी आएगी, तुम चले जाओगे, और तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे बारे में केवल इतनी चर्चा करके रह जाएंगे, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, अरे बड़ी अच्छी बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, और थोड़े बहुत कुछ अच्छे काम किए हों, अब बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, एक बड़ी क्षति हुई। इसके अलावा कहानी खत्म। ऐसे न जाने कितने चले गए और तो कल तुम भी चले जाओगे। हम तुम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, इससे पहले कि हमारी राम कहानी पूरी हो हम अपने जीवन की कहानी को पूरी कर ले, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाए तो हम कुछ कर पाएंगे।
नहीं तो फिर उस कहानी से क्या मतलब जिसका कोई सार न हो। अभी तक तुम्हारे जीवन की कहानी का कोई सार हो तो देखो, सार के साथ कहानी को पूरी करो ताकि अपने जीवन का हम वास्तविक विस्तार पा सके। ऐसी इस बंध की द्वंद से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो राग भाव से अपने आप को बढ़ाई बचाइए, विरागता के संस्कार अपने अंदर जगाइए। अगर तुम्हारे मन में वैराग्य के भाव आएंगे तो तुम्हारे लिए कोई संकल्प कठिन नहीं लगेगा, सब सहज लगेंगे। और अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कैसा कर लिया, ये तो दुनिया की बातें हैं, रागियों की बात है, रागियों का प्रलाप है जो अपने जीवन को दागी बना रहे हैं। अनंत भाव तुमने यूं ही बर्बाद किया, यदि ये भाव भी तुम्हें बर्बाद करना है तो तुम स्वतंत्र हो, अपने आप को पहचानो। ये सिद्धवर कूद सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ आप लोग आए हैं, सिद्धों के अनुराग से प्रेरित होकर आए। इतना शांत सुरम्य स्थान जहाँ का रोम रोम हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, यहाँ ध्यान लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। आओ यहाँ बैठो, एक कोने में बैठकर आनंद लो, अपने आत्मा के स्वरूप को का चिंतन करो, अपने जीवन के बारे में विचार करो, अपने हित का उद्योग करो, तभी कुछ सार तत्व हम प्राप्त कर सकेंगे, सभी के जीवन में वो सार घटित हो और अपने जीवन का विस्तार कर सके। इस भाव के साथ बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी महाराज।